हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आज के रिएक्शन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, दिन नज़दीक आ चुका है, 24 अक्टूबर इंडिया पाकिस्तान के बीच में होने वाला T20 वर्ल्ड कप मैच। सो बिना देर किए ये वीडियो देख लेते हैं। सना अमजद का ये वीडियो है और उसका टाइटल है 24 अक्टूबर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, हु विल विन, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा कर तारीख बदलेगा या तारीख खुद को दोहराएगी? आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अवैस अहमद। अनम तलहा। पलवा शाह। मेरा नाम दानियाल हनीफ है। अवैस, 24 अक्टूबर को कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, पाकिस्तान इंडिया पर या इंडिया पाकिस्तान पर? क्योंकि अगर हम पिछली तारीख की बात करें तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में आज तक इंडिया से नहीं जीता। इस बार क्या लगता है, तारीख बदलेगी या तारीख खुद को दोहराने वाली है? पाकिस्तान की जो टीम है ना, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जीता जाता है कॉन्फिडेंस से, चाहे आप जो भी हो। ये लोग उनको देख के इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि इनमें जो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत होता है वो उनको देख के ये लोग हार जाते हैं। तो जीत यहाँ से शुरू होती है। आप जब कॉन्फिडेंस से अपना लेवल नीचे कर देंगे, खुद को डिग्रेड कर देंगे, तो आप कैसे इसको विन कर पाएंगे? सो मुझे तो यही पता कि इंडिया जीतेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है। ये लोग, मैं बता तो रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लोग दिल से नहीं खेलते, ये लोग बस अपने लिए खेलते हैं, अपना पैसा बनाते हैं बस और चले जाते हैं। कोई एक प्लेयर जिसे आपको लगा हो कि यार ये अच्छा खेलेगा और ये हमें जीत की तरफ ले जा सकता है? कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया के बारे में क्या कहेंगे आपने? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में तो साफ साफ कह दिया कि जीतने वाली नहीं है। इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली पे बड़ा प्रेशर होने वाला है, क्योंकि विराट कोहली ने IPL में अपनी टीम को नहीं जितवाया, तो हो सकता है वो प्रेशर में आ जाए और पाकिस्तान इसी प्रेशर का फायदा उठाए और जीत जाए। आपको क्या लगता है? वो लोग दिल से खेलते हैं, अपनी सारी ताकत लगाते हैं, उनके अंदर कोई लालच नहीं होती, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं लेते। उनका यही होता है कि हमने मैच जीतना है, वो मैदान में उतरते तब है। ये लोग पहले थे, हमारी टीम बिफोर 6 ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब इनमें वो चीज़ है ही नहीं है, नज़र ही नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया इनको। और इसी तरह इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बॉलर उनके बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब किसी भी कोई ऐसी कमी नहीं है उनकी के जो मैं आपको कहूँ कि वो हार जाएगी। उन्होंने जीतना ही जीतना है। आप देखना, आप मेरी इस रिकॉर्डिंग को सेव कर लें और इंडिया जीतेगा। पाकिस्तान की कितनी परसेंट आवाम को ये पता है कि इंडिया ही जीतेगा? 90% को ये पता है कि इंडिया जीतेगा। 10% जो बेचारे पुराने बाबे बैठे हुए हैं सोच के TV लगा के, जिनको कोई भी एड आ जाए कहते हैं कोई गल नहीं टाइम पास, जो जिन बंदों का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है ना, वो तो वहाँ बैठेंगे नहीं। उनको पता है कि यार हार जाना, पाकिस्तान ने साढ़े को देखे नहीं जाना, लिहाजा TV बंद कर दो बुजी। उन्होंने नहीं यार मैनू वेख लें तो पुत्र कोई गल नहीं। अहमद, 24 अक्टूबर को कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, इंडिया पाकिस्तान पर या पाकिस्तान इंडिया पर? ऑब्वियसली हम तो यही कहेंगे पाकिस्तान अच्छा खेले इंडिया के खिलाफ, क्योंकि वर्ल्ड कप की स्ट्रेटेजी में देखा जाए, अगर पिछले रिकॉर्ड्स में भी देखा जाए, तो पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप में इंडिया से कोई मैचेस नहीं जीता। हम चाहते हैं कि ये जो रवायत है, ये जो लोगों ने बनाया हुआ है, कि ये रवायत चलती रहेगी, इसको तोड़ा जाए। और मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम अपना बेस्ट दे इंडिया के खिलाफ। ये तो आपकी चाहत है ना, कि आप ये चाहते हैं, लेकिन लगता क्या है कि क्या होगा, आप प्रेडिक्शन क्या करेंगे? मैं यही कहूंगा कि अगर फर्स्ट ओवर्स में देखा जाए तो रोहित शर्मा जो है इंडिया के बैट्समैन, वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं और फॉर्म में भी हैं, और वो डबल सेंचुरी करते होते हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट है, इसमें डबल सेंचुरी तो होनी नहीं। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि रोहित शर्मा को फर्स्ट ओवर में शाहीन अफरीदी जो है वो पहले 6 ओवर में पावर प्ले में आउट करे, ताकि पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़े इंडिया पे, और उनकी जो एक स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाए, क्योंकि रोहित शर्मा जो है उनकी एक ना टीम की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, अगर उसको आउट कर दिया उन्होंने पहले तो पाकिस्तान ऑब्वियसली जीतेगा। पाकिस्तान के कौन से की प्लेयर्स हैं जो इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? एक तो बाबर आजम हमारे हैं, वो इंडिया के खिलाफ वैसे ही अच्छा खेलते हैं। एक फखर जमान है, जिन्होंने आपने देखा चैंपियन ट्रॉफीज में उन्होंने इंडिया के खिलाफ अंडरस्कोर किया था, तो इस दफा भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाबर आजम जो है वो अच्छा खेलेंगे और फखर जमान भी अच्छा स्कोर करेंगे। और मोहम्मद रिजवान है जो राइजिंग स्टार है हमारे किस्म के, वो तो उम्मीद, उनसे तो पक्की उम्मीद है कि वो ओपनिंग जो है पाकिस्तान की इस कदर स्ट्रॉन्ग करके बाबर आजम और वो करेंगे
कि पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट देंगे। अच्छा, अगर हम दोनों जो कैप्टन हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उनका मुआवजना करें तो क्या लगता है कौन अच्छी इनिंग से स्टार्ट करेगा? कैप्टन के लिहाज से देखा जाए तो बाबर आजम जो है वो यंग है, लेकिन जो विराट कोहली है वो बहुत मैचेस खेल चुके हैं। प्रीवियस मैचेस में भी देखा जाए तो बाबर आजम के पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक नए कैप्टन है। अभी ये पहला उनका वर्ल्ड कप है, देखा जाएगा तो उसमें कितना स्कोर करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, उसी लिहाज से आगे चलेंगे, क्योंकि जिसका तजर्बा है वही ज्यादा काम आता है। विराट कोहली के पास काफी तजर्बा है और उसने वो धोनी की कैप्टन में अपना तजर्बा लोगों को दिखाया कि मैं किस कदर प्लेयर हूँ, और बैटिंग में लिहाज से भी अच्छा है और स्ट्रेटेजी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के कितने परसेंट चांसेस हैं जीतने के? हम तो ये दुआ करेंगे 100%, वैसे तो 50-50 लगते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस बार जीतेगा, अच्छा खेलेगा। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अगर पाकिस्तान हार गया, टीवी तो नहीं तोड़ेंगे? नहीं, अब इतना भी दिल पे नहीं लेते, बच्चों वाला सीन चला गया, अब दिल पे नहीं लेते, अब इतना, अब तो इससे भी बड़ी बातें होती हैं, उन पे नहीं टीवी तोड़े, अब इन बातों पे टीवी तोड़ने, टीवी महंगे आते हैं, अब घर से निकाल लेंगे। हमारी तारीख यही है कि T20 वर्ल्ड कप में हम आज तक इंडिया से नहीं जीते, क्या लगता है इस दफा क्या होगा, तारीख खुद को बदलेगी या फिर तारीख दोहराई जाएगी? होप फॉर द बेस्ट के पाकिस्तान जो है वो इस बार जीत जाए। माहरीन की जानिब से भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के चांसेस इस बार ज्यादा हैं कि वो जीत जाए। हमारा चूंकि मुकाबला 12-0 से जारी है इंडिया के साथ और हम उनसे हार चुके हैं, मे बी आई होप कि हमारी टीम इतना अच्छा खेले कि हम उस 12-0 को 12-1 पे कम अज कम ले जाएं। और दूसरी तरफ ये है कि पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैच होगा तो कैसा होगा, हमारा जो कि एक रुझान ऐसा चल रहा है, कुछ इस तरह की जो है वो मुहिम चलाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान का और इंडिया का मैच जो है वो बैन कर दिया जाए। आई होप कि सब अच्छा हो और ये बिल्कुल मतलब कि मैं नहीं कह रही, लेकिन ये है कि दिमाग में ऐसी चीज आ रही है जिस तरह ऑन द स्पॉट एंड एट द एंड टाइम जो है वो आधा पौना घंटा पहले मैच खत्म कर दिया गया था पाकिस्तान में, इस तरह से मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को जो है वो खत्म ना किया जाए। आवाम में बहुत जोश जज्बा पाया जा रहा है, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि हफ्तों से महीनों से इस चीज का इंतजार है लोगों को कि वर्ल्ड कप का एक इम्पैक्ट नहीं होता हमारी आवाम पे, ना ही इतना कोई इफेक्टेड लोग होते हैं। सबसे ज्यादा इंतजार जो होता है ना वो सिर्फ ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। T20 को कोई नहीं समझता, वर्ल्ड कप को कोई नहीं जानता, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए सब जद्दोजहद करते हैं और सब उसी को देखना चाहते हैं। अनम, क्या लगता है कौन जीतेगा 24 अक्टूबर को? इंशाल्लाह पाकिस्तान। और अगर इंडिया जीत गया तो कोई बात नहीं, अच्छा खेले, कोई भी जीते, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान जीतेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आज तक पाकिस्तान कभी भी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीता। नहीं, हम लोग T20 क्या, हम वनडे में भी नहीं जीते हैं। लेकिन ये कि हिस्ट्री होती है ना चेंज करने के लिए, तो वो टाइम आ गया, हिस्ट्री चेंज होने लगी है। लगता है तारीख बदले? हाँ इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान हार जाता है तो दिल टूटेगा? ऑब्वियसली। क्या लगता है ऐसे कौन से प्लेयर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ? ऑब्वियसली पहले तो हमारे कैप्टन बाबर आजम वो फॉर्म में भी हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। फखर जमान अक्सर अच्छा खेलते हैं इंडिया के खिलाफ और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ करना चाहिए भी और करेंगे भी शुएब मलिक, एक्सपीरियंस हैं और इंडिया के खिलाफ वो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद है। बॉलर्स तो हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, हमारा जो बॉलर्स स्पिन भी और फास्ट बॉलर भी वो भी बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया को टफ टाइम ओवरऑल मिलने वाला है। और इंडिया के ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे? विराट कोहली, बुमराह, रोहित शर्मा, उनका ओपनिंग जो है ना उनकी वो बहुत डेंजरस है, उसको आउट कर लेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आगे चल पड़ेंगे। हुब्बुल वतनी को एक तरफ रख कर ईमानदारी के साथ स्टैट्स पर ये जाते हुए ये बताएं पाकिस्तान के कितने परसेंट चांसेस है जीतने के? देखिए स्टैट्स के ऊपर अगर हम लोग, आप वाकई में कहते हैं स्टैट्स पे बात करें तो इंडिया ऑब्वियसली स्टैट्स पे ऑन पेपर हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन क्रिकेट या कोई भी गेम ऐसी होती है कि जब ग्राउंड पे आते हैं ना तो उस टाइम पे पता नहीं होता कि अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी बेसिस पे मैं जरूर कहूंगी कि बेशक इंडिया जीतता रहा है और उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक तो ये कि पेट्रियोटिक बहुत हैं, जुनून में खेलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, हारना हो तो बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे, जीतना हो तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देते हैं, तो इंडिया भी कोई बहुत बड़ी, हम लोगों ने बहुत ऐसे हवा बनाया हुआ है कि हम नहीं हरा सकते, इतना कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें है इतना कि वो जीत सकते हैं इजीली। तलहा, 24 अक्टूबर को कौन जीतेगा? आई थिंक इंडिया। क्यों लग रहा है ऐसा? इंडिया की टीम बहुत हार्ड है, पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है बट इंडिया आउटस्टैंडिंग, क्योंकि एक इफेक्ट ये भी है कि IPL हुई है अभी UAE में, तो इंडिया के प्लेयर्स की प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है वहाँ, KL राहुल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, आई थिंक वो नहीं जीतने देंगे, नहीं, मुश्किल है बहुत। आपको पता ही होगा कि हम कभी भी वर्ल्ड कप सिचुएशन में इंडिया से नहीं जीते हैं,
अगर इस दफा भी पाकिस्तान ना जीता तो आपको पता है फिर क्या होगा, अवाम के दिल टूट जाएंगे। दिल तो टूटते रहते हैं पाकिस्तान के हमेशा से, तो लास्ट टाइम इन्होंने हराया भी है चैंपियन ट्रॉफी में, फाइनल जीत गए थे हम उनसे। बात यह कि ये गेम होती है नर्व्स कंट्रोल करने की, जो प्रेशर ले लेगा वो जीत जाएगा। टीमें दोनों अच्छी हैं, नो डाउट बेटर है, पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी बैलेंस टीम है, तो आई थिंक प्रेशर बियर जो करेगा जीतेगा वही। आपने बात की प्रेशर की, तो कहा यह जा रहा है कि विराट कोहली पर प्रेशर है कि वो आईपीएल में अपनी टीम को जितवा नहीं सके, तो हो सकता है कि वो ये प्रेशर से T20 वर्ल्ड कप में या 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से हार जाए, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि विराट कोहली पे प्रेशर होगा ना, तो केएल राहुल को कौन काबू करेगा, रोहित शर्मा को कौन काबू करेगा, उनकी बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार है, उनके पास हार्दिक पांड्या है, ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं उनके पास, तो इसलिए आज से आई थिंक विराट कोहली पे प्रेशर नहीं है इतना कोई खास, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती आई थिंक। वैसे पाकिस्तान के कुछ परसेंट चांसेस हैं जीतने के या उस पर भी उम्मीद नहीं है? नहीं, चांसेस जरूर है, मैंने वही कहा जो प्रेशर बियर करेगा जीतेगा वो। अब पाकिस्तान ने उस दिन एग्रेसिव खेला था, एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी इंडिया के खिलाफ, अगर ये डिफेंसिव होंगे तो कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर एग्रेसिव जाएंगे जैसे फखर जमान ने उस दिन बैटिंग की है, जो फाइनल जीता है हमने उसमें, आगे उसने कोई आसरा नहीं किया, बस शुरू हो गया, बस वो वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर वो नहीं रखेंगे फिर हार जाएंगे। बाबर आजम का ये पहला वर्ल्ड कप है एज अ कैप्टन, तो क्या उम्मीद है उनसे? बाबर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बाबर को चाहिए बस थोड़ा सा तेज खेला करे, वो जरा स्लो खेलता है, 40 बॉल्स पे 50 कर रहा है, मतलब उसको 30 पे 50 करना चाहिए तो फिर जरा सही होगा, उसकी स्ट्राइक रेट जरा इंप्रूव करना पड़ेगा उसे, बाकी वो प्लेयर बहुत अच्छा है वैसे। दानियाल, क्या लगता है 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, कौन जीतेगा? एक्चुअली मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ और मैं प्रोफेशनल खेल रहा हूँ, मैं अंडर 16 खेला हुआ हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो एक ना हाई वोल्टेज गेम होती है, उसमें जो टीम अपने प्रेशर को हैंडल कर लेती है ना वो टीम जीत जाती है। अगर अभी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान टीम काफ़ी अच्छा खेलती आ रही है, पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया है, ये फखर जमान के आने से, हैदर अली के आने से ना पाकिस्तान टीम काफ़ी मजबूत हो रही है। ये नहीं है कि जैसे पहले इंडिया बड़ा बोल रही है कि जी हमारे प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं वो बड़े अच्छे हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारे नहीं है, ये वो पुरानी बातें हो चुकी, अब जो नया टैलेंट आया है, नई क्रिकेट है, नया दौर है, नया जमाना है और नए दिन के साथ पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान ने भी अच्छी प्लानिंग की हुई है। आई होप कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, तो ये इंडिया को भूल जाना चाहिए कि हम लोग आसानी से जीत जाएंगे या कुछ भी है, उस दिन जो टीम अपने असाब पे काबू रखेगी ना वो इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। पाकिस्तान अगर 170 तक पहले टारगेट देता है ना तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उस चीज़ को ना रोक सकता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम में ना एक आधी तब्दीली होनी चाहिए, वो तब्दीली ये है कि शाहनवाज धानी को ना हादिस रऊफ की जगह लेके आना चाहिए क्योंकि वो अच्छा खेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से की प्लेयर हैं जो इंडिया के खिलाफ उस दिन चलेंगे? हैदर अली के ऊपर मेरी ज्यादा फोकस है कि वो इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा, और उसके बाद जो फखर जमान है और बाबर आजम से तो वो पहले ही डर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नंबर वन बैट्समैन है और पूरी दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है, तो इस चीज से वो समझते हैं कि इन दो तीन जो लड़के हैं ना इनको जल्दी पकड़ लेंगे तो हम शायद जीत सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो शोएब मलिक है उसका T20 में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा वो खेले हुए हैं, सबसे ज्यादा उनके रन्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर है ना उनमें से कोई भी प्लेयर है ना जो भी थोड़ी देर क्रीज पे रुक गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जाएगा। क्या मैसेज है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए? पाकिस्तान की टीम के लिए मेरा मैसेज ये है कि भाइयों कॉन्फिडेंस से खेलो यार, जीत मुकद्दर की है, आप फुल मेहनत करो, फुल ताकत लगाओ अपनी, इंडिया क्या चीज़ है यार, सारा इंडिया के भी 11 ही बंदे हैं, हमारे भी 11 ही बंदे हैं, ठीक है, वो गेम को गेम समझो, उसको दिल पे मत लो, प्रेशराइज ना हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम ना करो, इजी होकर खेलो, गेम है ये, इजी होकर खेलो, ठीक है, एक दूसरे के साथ गलत फहमी मत पैदा करो और इंशाल्लाह तआला जीतोगे। हार जीत जो है वो तो गेम का हिस्सा होती है, किसी एक ने जीतना है हारना है उस पे नहीं है मेरा कि हम जीते ही जरूर, लेकिन लोग अच्छा खेलें, जब टीम वापस आए तो ऐसा ना हो कि उन सबको वो हो रहा हो ना कि ना आने दो या अलहदा अलहदा आ रहे हो, सब मिलकर आए, इकट्ठे एयरपोर्ट पे आए, कोई बात नहीं अगर हार के भी आएंगे लेकिन अच्छा खेल के लड़के आए। पाकिस्तानियों की नेक तमन्नाएं और दुआएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ है, वो चाहते हैं सिर्फ एक बार पाकिस्तान इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराए, जो कि बहुत नामुमकिन सी बात नजर आ रही है। आपको क्या? तो दोस्तों देखा आपने, ये पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन था T20 वर्ल्ड कप को लेकर, और
ज़्यादातर मुझे इसमें सब नाउम्मीद ही लगी अपनी टीम से। और मैंने अभी बीच में अभी खबर भी आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ज़्यादा बिजी है वो टिकटॉक बनाने में बिजी है बजाय अपने फील्ड में जाकर प्रैक्टिस करने में। तो इस तरह की भी कुछ खबरें सामने आई थी, तो इसको लेकर काफ़ी आलोचना भी हो रही थी कि टिकटॉक बना रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया ही इस पर बात कर रहा था कि हमारे प्लेयर्स तो टिकटॉक बनाने में बिजी हैं, उनको तो फील्ड में प्रैक्टिस करने की कोई समझ ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं और कोई होश नहीं है। तो खैर, ये क्रिकेट गेम्स हो या इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स हो या आप ज़िंदगी में कुछ भी देखें, ये सारी बात होती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रेशर आप झेल सकते हैं, कितने अच्छे से आपका वो उस दिन परफॉर्मेंस रहेगा जिस दिन फाइनल मैच है, और कितनी आप में आपका जज्बा कितना है कि आप प्रेशर तो झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ आप में ये जज्बा होना चाहिए कि मैं फील्ड में उतर रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा। हार जीत ये तो देखिए गेम्स में हर एक कोई भी गेम हो, या तो हारेगा बंदा या जीतेगा, या तो टीम्स हारेंगी या जीतेंगी, लेकिन आपका ये होना चाहिए कि मुझे बेस्ट करना है अपना, मुझे सबसे अच्छा खेलना है, उस दिन मुझे पूरी तरह से तैयार रहे। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा जहन तो कहीं और है और मैं जिस्मानी तौर पर वहाँ पर मौजूद हूँ और मैं फिर वो अपना 100% नहीं दे रहा हूँ। तो खैर दोस्तों, आपने देख ली पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और इसमें मोस्टली मुझे ना उम्मीद लगे, लेकिन फिर भी वो एक ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार तो जीत ही जाओ इंडिया से। और मैं हमारी इंडियन टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी कि बस अपना बेस्ट दें और मैच जीत कर आएँ। और बाकी ये देख लिया कि आपने पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आप अपनी इंडियन टीम के लिए कोई भी लाइन्स लिखना चाहते हैं, कुछ भी उनको कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।